हाय गाइस, तो ममता गौड़ा सेज सर आई मेक टाइम टेबल, मैं फॉलो भी करती हूँ बट मेरा बैकलॉग क्रिएट हो जाता है तो मैं उसको क्या करूँ। बेटा बैकलॉग हर किसी का क्रिएट होता है, ठीक है, बट व्हाट यू सपोज टू डू इज यू शुड स्लोली रिड्यूस द बैकलॉग, है ना। एवरी डे आपके टाइम टेबल में एक बैकलॉग के लिए एक घंटा लगा लो। ट्रस्ट मी, दिस वन आवर इन 30 डेज विल बी 30 आवर्स एंड 30 आवर्स आर सफिशिएंट टू क्रिएट एनी बैकलॉग। हम लोग बस बैकलॉग को देख के डरते रहते हैं बट अंडरस्टैंड वो जो बैकलॉग है उसको आप तोड़ दोगे छोटे छोटे पार्ट में तो इट विल रिड्यूस, है ना। एंड मेक श्योर कि जो भी आपका बैकलॉग क्रिएट होता है एवरी वीक आप क्लियर करते रहो, चाहे एक घंटा जल्दी उठना पड़े सुबह या फिर रात को थोड़ा लेट पढ़ना पड़े। ऑब्वियसली बैकलॉग होता ही, अगर आप ह्यूमन हो तो बैकलॉग आएगा ही, बट उसको क्लियर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कट आउट डिस्ट्रैक्शंस, क्रिएट मोर टाइम। अगर आपका मूवी का टाइम है तो वो हटाओ, आपके दोस्त से मिलना मत जाओ, है ना। आपका फोन का इंस्टाग्राम यूट्यूब थोड़ा कम यूज करो, तो क्रिएट टाइम फॉर क्लियरिंग द बैकलॉग। ओके, डोंट बी इन अ विक्टिम मोड, फाइंड सॉल्यूशंस फॉर क्रिएटिंग बैकलॉग, क्रिएट टाइम। ओके, आई होप दिस हेल्प्स यू गाइस, कीप स्माइलिंग।